चलो आज बचपन में चलते हैं। समय सुबह के 7:30। वार शनिवार और महीना दिसंबर। कान में टोपा, हाथ पैर में मोजे, शरीर इनर शर्ट ब्लेजर से पूरा पैक। फिर भी दांत पूरे रिदम में बज रहे हैं। पर तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो बेसब्री से इंतजार है अखबार वाले का। पर तुम तो अखबार सिर्फ उस दिन पढ़ते हो जिस दिन स्कूल में न्यूज़ बोलने की बारी होती है। आज तो वो दिन नहीं है, पर आज तुम्हें इंतजार है एक खबर का जिसमें लिख कर आए कि ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। अचानक फाटक बजता है। तुम्हारा मन कहता है स्कूल का टेम्पो आ गया, पर दिल कहता है शायद न्यूज़पेपर वाला हो। तुम फाटक खोलते हो और न्यूज़पेपर वाला दिखता है, तुमसे ज़्यादा पैक। उनकी छुट्टी नहीं होती ना। खैर, न्यूज़पेपर से पहले वो तुम्हें खबर देता है कि जाओ मज़े करो, कलेक्टर ने 1 से 8 तक की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। दांत बजना बंद हो जाते हैं। तुम अभी 5th में हो तो तुम खुशी में भाग जाते हो घर के अंदर बिना कोई न्यूज़पेपर की खबर लिए। दिल ये खबर सुन के खुश होता है, पर मन कहता है 3 साल बाद ये दुनिया तुमसे ठंड से लड़ने की उम्मीद करेगी। और एक चीज़ जो नहीं कहता कि आने वाले सालों में दुनिया तुम पे कई लड़ाइयाँ थोपेगी और एक एक करके तुम्हें सबसे लड़ना होगा। खैर, अभी के लिए तुम्हें छुट्टी मुबारक।